कस्टमर आ रहा है मगर जो है सब 500 का नोट आ रहा है, यहाँ मना कर दिया गया है। 500 और 1000 के नोट स्वीकार नहीं कर रहे हैं अभी? नहीं नहीं कर रहे हैं अभी, तो सेल डाउन हुआ अभी तो। जी बहुत परेशानी आ रही है, हम घर से 500 रुपए के नोट लेके आए थे। अच्छा। यहाँ पर मैंने देखा वहाँ पर चिपका हुआ था, यहाँ 500 का नोट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो बहुत परेशानी। राकेश कुमार हजपुर मुक्तापुर, मेरे पास पहले से भी 500 और 1000 के दो चार नोट हैं, जिसके मैं यही शॉपिंग वोपिंग के लिए रखा था और अचानक बंद हो गए, इससे बहुत परेशानी हुई हमको और अन्य भी ग्राहक को बहुत परेशानी होता होगा। क्या तो सामान तो अभी यहाँ से खरीदारी नहीं हो पा रही है आपकी? नहीं, लौट के जा रहे हैं क्या? लौट के जा रहे हैं, जितना पैसा है 100-200 का वही से खरीद रहे हैं, बाद बाकी 500 और का जेब में है वैसे ही रखे हुए हैं। मेरा नाम सम्राट है, मैं यहीं पंजाबी कॉलोनी धर्मपुर से। आज यहाँ हमेशा 500 की आदत हो गया था, 1000 रुपये का, अब नहीं है तो थोड़ा सा लग रहा है। बाकी डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं पेमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। कदम सरकार का बहुत ही सराहनीय है। सराहनीय है जी, क्योंकि अगर नागरिक हैं आप और आप हमेशा कहते रहते हैं काला धन और थोड़ा सहयोग नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? नहीं, सेल पर तो सर फर्क पड़ा है, आज के डेट में सेल पर फर्क पड़ा है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। अब एकाएक ऐसा हुआ है तो थोड़ा तो असर पड़ेगा ही, कि इससे यही बेनिफिट होगा, जो काला धन जो है, जो आप बैंक में नहीं रह के ज़मीन के अंदर जो रखे हुए हैं लोग, है ना, वो ऊपर आएगा। बहुत कम सेल हो रहा है, बहुत कम दिखाई दे रहा है। 500 और 1000 के नोट ले रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली सेल का फर्क पड़ा है, जो हमारे रोज की सेल में 25% तक का सेल का 75% लॉस कर रहे हैं हम लोग डेली का। 75% लॉस कर रहे हैं, तो क्या आप लोग 1000 और 500 का नोट मतलब स्वीकार अभी नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, अगर गवर्नमेंट ने उसको इलीगल कर दिया तो हम कैसे ले सकते हैं? सारे न्यूज चैनल पे हो या ऑन नेट हो, ये दिखाया जा रहा है कि पेट्रोल पंप्स रिटेल आउटलेट्स विल हैव टू कीप एवरी सिंगल एंट्री ऑफ कैश ट्रांजेक्शन विद 500 एंड 1000 रुपीज नोट्स टिल नवंबर 11 तक इन्हें नोट लेना है, सिर्फ उसका एंट्री ये करके रखेंगे, लेकिन ये नहीं है कि ये नहीं लेना है। पेट्रोल पंप पर भी ये ऑथराइज है और यहाँ भी ऑथराइज है, बट पता नहीं क्यों क्या सिचुएशन है। मैंने तो अभी पेट्रोल भराया, वहाँ पर मुझे मिल गया आराम से, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बताइए मोदी जी का ये जो कदम है 500 और 1000 का नोट जो बंद करने का, भ्रष्टाचार पर जो है लगाम लगाने का, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं, क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन ठीक है, एक दिन दो दिन सबको दिक्कत होता है, एक दिन कम खरीदारी करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उपस्थित हैं और वो आज ग्राहक मैनेजर हैं, उनसे ही बात करते हैं। जी जैसा कि आप जान रहे हैं कि 500 के और 1000 के नोटों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और जो है उसको फिर जैसा कि सरकार के द्वारा आदेशानुसार फिर समय दिया गया है, उसके अनुसार आप बैंक में जमा करेंगे पुराने नोट और फिर नए नोट आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, तो बाज़ार पर इसका कितना असर है? लगन का समय है जी, कस्टमर्स जितने भी आ रहे हैं उनके पास सिर्फ 500 और 1000 के नोट ही हैं, उनके पास 100 के नोट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। इस वजह से बाजार पर बहुत प्रभाव पड़ा है इसका, हमारा सेल बिल्कुल ही नहीं है आज के दिन, जबकि लगन का टाइम है। अभी तो सेल हम लोगों का बहुत अच्छा जाता था हर साल, इस बार बिल्कुल ही सेल नहीं। तो क्या आप लोग 500 और 1000 का नोट ले रहे हैं? नहीं, अभी नहीं ले रहे हैं हम लोग 500 और 1000। ये तो मतलब आतंकवाद को रोकने के लिए और नेता लोगों के पास जो पैसा पड़ा हुआ है उसको निकालने के लिए, ब्लैक मनी जो जितना जमा हो गया है सबके पास उसी को निकालने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कदम उठाया है, ये जनहित के लिए तो बहुत ही अच्छा। यही वो राजघराना है, दो दिन चार दिन पहले देख रहे थे यहाँ पर, हम इनसे बात करने का फुर्सत रहे थे, लेकिन आज देख रहे हैं कि बिल्कुल सन्नाटा पसरा हो, और भी जगहों का हम रुख करेंगे।